बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में शूरवीर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और कहा कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के निर्माण में महाराणा प्रताप का जो योगदान है वह हमें प्रेरणा देता है। गौरतलब है कि पटना के फ्रेजर रोड स्थित SP वर्मा रोड के मुहाने पर नव निर्मित पार्क में शूरवीर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और पार्क का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को राजकीय समारोह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती को समारोह पूर्वक हर साल मनाया जाएगा। मृत्यु हुई थी आज की तारीख, लेकिन आज दिया 9 मई को उनका जन्मदिन है, उस दिन राजकीय समारोह होगा हर वर्ष। सिर्फ हम लोगों ने आज स्थापित कर दिया है और आप जानते ही हैं उनके इस अंतिम दिन के अवसर पर तो बिहार में और अन्य जगहों पर और अन्य दिनों पर भी लोग बहुत बार मीटिंग करते हैं और उनकी सब बातों के बारे में जानकारी मिलती है। ये सब तो मालूम है, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है और उनकी जो भूमिका रही है तो उसी के चलते तो फिर नहीं है जिस तरह से उन्होंने किया आज तक सब दिन। और हम तो चाहते हैं कि अब नई पीढ़ी के लोगों को भी ठीक ढंग से मालूम हो कि उन्होंने क्या भूमिका की थी और किस तरह से लोगों के हित में काम किया था। आप जानते हैं जब उनका था शासन जब चल रहा था तो कोई महिला को भी अरेस्ट कर दिया था तो उन्होंने कह दिया था कि महिला को क्या अरेस्ट किया, हटाओ लड़की थी। सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज है। हम जो बराबर कहते हैं महिलाओं के हित में काम होना चाहिए, तीनों ने जो अपने समय में जो काम किया वो सबको भी अब नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए। इनका तो बहुत बड़ा योगदान रहा है और सब लोग याद करते रहते हैं और कितने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन हम लोगों के मन में था कि इनका यहाँ पर हम लोग राजकीय समारोह करें, मूर्ति स्थापित करें। विमर्श न्यूज़ पटना।